मिठाइए वाली है। इसका मिल्किंग हो गया, आप चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा तालाब घर 4 महीना पानी में रहने के बाद भी सड़ा गला नहीं है। अब लोग बोलते थे कि सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ये देखिए, ये देख लीजिए कितना मजबूती है। अभी 50-52 किलो का वजन है हमारा, लेकिन देखिए यहाँ कूद रहे हैं फिर भी नहीं हिल रहा है। लोग बोलते थे कि सड़ जाएगा तुम्हारा घर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करिए, हाय दोस्तों, हाय करो छोटी, हाय करो, हाय कर दो, हाय कर, नहीं कर रही है। और दोस्तों सुबह का 7 बजा हुआ है और बाल्टी धो कर के रख लिए हैं दूध निकालने के लिए। और एक घटना हो गया है हमारे साथ, देखिए आँख में चारा वारा काटने गए थे तो कुछ लग गया बहुत तेज, इसमें कुछ हल गया है छोटा सा, तो ताकने का मन नहीं कर रहा है। धूप में तो और ताकने का मन नहीं कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, करक रहा है। तो अभी दूध निकाल रहे हैं जैसे तैसे, और उसके बाद जाएंगे दूध लेकर के, तो इसका इलाज भी कराएंगे। बहुत तेज लगा हुआ है तो ताकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एक तो धूप में तो और नहीं मन कर रहा है ताकने के लिए। तो चलते हैं, पहले दूध निकाल लेते हैं दोस्तों। अरे छोटी चलो आ। और दोस्तों देखिए मिल्किंग चालू कर दिए हैं, दूध निकालना चालू कर दिए हैं। कहा है छोटी, आ जाओ आ जाओ, आ जाने दीजिए, आइए आओ इधर से आ जाओ, आप लेके बनाइए। कहाँ आगे पीछे हट रही है जी, बछिया वहाँ चली गई इसीलिए ना हट रही है। क्या छोटी, ए छोटी अभी दूध जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए आज पता नहीं क्यों आगे पीछे इधर उधर हट रही है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं गिरा दे दूध, तो इसीलिए बाल्टी में पलट के फिर से निकाल रहे हैं। और देखिए दोस्तों आज पता नहीं क्यों गाय थोड़ा सा इधर उधर हट रही है, तो पहले निकाल के उधर पलट दिए हैं, फिर से ये दूध इसका निकाला हुआ हो गया। दिखाइए बाल्टी में, इसका मिल्किंग हो गया, आप चलते हैं। गौरी का मिल्किंग करने छोड़ दीजिए छोटकी को। और दोस्तों देखिए आ गए हैं गौरी के पास और गौरी का मिल्किंग चालू कर दिए हैं। और धूप लग रहा है तो बहुत तेज, धूप में ताकने का मन नहीं कर रहा है। और दोस्तों देखिए इसका भी मिल्किंग हो गया और धूप बहुत तेज आज हुआ है, ये देखिए। अभी छोड़ते हैं शीतल को, उसका रस्सी काटना पड़ेगा, रस्सी फंसा दिए, खुल नहीं रहा है, तो हसुआ से काटेंगे तब आके दूध पिएगी। और दोस्तों देखिए दूध नपा रहा है हमारा, एक डिब्बा इधर नपा गया है, और वो है शीतल वाला और ये है अतवरिया वाला। तो अभी नाप देती हैं और तब तक हम इन लोगों को बांध देते हैं। दोनों पी रही है, ये भी पी रही है देखिए, और ये भी पी रही है, तो दोनों को बांध देते हैं तब चलेंगे बाजार। और दोस्तों देखिए हम आ गए हैं बाजार से, और आँख में जो लगा था तो इसके लिए ड्रॉप लाए हैं, इसमें डालने के लिए 3 टाइम डालना है। तो सुबह में भी उधर गए तो मिला तो उस समय डाल लिए, दोपहर में भी डाले हैं, और अभी इधर देखिए ये गुड्डू आ रहे हैं। कहाँ जा रहे गुड्डू? हाय दोस्तों। हाँ
कहीं जा रहे हैं काम से। अच्छा अच्छा बढ़िया है, काम हो रहा है ना? हाँ काम हो रहा है। ठीक है, काम करते रहो। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ गुड्डू बहुत अच्छा लड़का है। अरे ढिमुलिया नहीं मारो। तो दोस्तों दवाई ले लिए हैं और दाढ़ी भी बढ़ गया था तो उधर से बनवा करके आए हैं। और अर्चना की मम्मी देखिए अभी तैयारी में है। ये किस चीज़ के? करवा चौथ का। और फर्स्ट बार करवा चौथ व्रत करने जा रही हैं अर्चना की मम्मी, क्योंकि ये कभी करती नहीं थी। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, जो माता बहन लोग देखते होंगे हमारा वीडियो, तो करवा चौथ का त्यौहार के बारे में कुछ टिप्स बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं दोस्तों गाय लोगों के पास। और छोटी देखिए अर्चना क्या कर रही है, ये देखिए अपना पेट भर रही है, क्या खा रही हो? कस के बोलो। दाल भात। हाँ दाल भात। सब्जी? सब्जी तो नहीं है, दाल भात है। दाल भात खा रही है। सर सर नहाई नहीं हो ना? हाँ नहा लिया करो। चलते हैं दोस्तों। और छोटी है तुम भी कुछ बोलो ना। देखिए गौरी खा रही है और छोड़ दिया पुअरा वरा लाए थे धान का जो काट करके दिए हैं। और इसको देखिए भी, चलो ये भी देखिए ये भी खा रही है, ये भी छोड़ी हुई है। तो अभी चोकर देंगे तो खा कर ख़त्म कर देंगे ये सब। और देखिए इन लोगों को चोकर दे रहे हैं। और इस बार का चोकर हमको मतलब ख़राब मिल गया है। इसमें देखिए बहुत मिक्स है, इसमें भूसा मिक्स कर दिया है, धान का भूसा। दो नंबर चोकर भी आ रहा है। खा अभी उसको देते हैं गौरी को, और शीतल को भी देंगे। अभी गौरी को देते हैं। गौरी रुको, ही बहुत परेशान करती है, एकदम झपट झपट इधर देखिए कैसे एकदम बेचैन रहती है खाने के लिए। हाँ खाती रहो। अभी बकरी लोगों को खिलाएंगे भूसा चोकर। आ आ इन लोगों को नहीं खिलाए हैं? खिलाएं बकरी को? नहीं अभी खिलाते हैं, ये नहीं खिलाई हुई है। और देखिए ये वाला आँख थोड़ा सा फूल गया है और लाल हो गया है। आ आ आ मार बाबू मार बना से तो। आ आ देखिए सभी लोग आ गए। मारो जान कस के बाबू को मार रही है बड़की बकरिया। हटो। हाँ चलो इधर खाओ, इधर नहीं है। आ ला बाबू उधर से बड़की को। देखिए सब खस्सी लोग आ गया है। अरे बस पाठी है, अरे को बड़की बकरी। अरे गौरी अभी खसिया उधर है बाबू, हाँ चला। आ खा अभी ऐसे सब लोग खाएगा, देख लीजिए। खाओ खाओ खाओ, लड़ाई नहीं करो, उधर मुँह करो जी। सभी लोग इसमें खा रहा है, देख लीजिए सब बकरी लोग। और इसी तरह से अगर बकरी आठ दस बीस को रख लिया जाए तो भी बहुत फायदा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जगह की कमी है इसीलिए नहीं रखते हैं। जितना है उतना देखिए कैसे खा रहे हैं सब। दो गो गाय रखने में ही परेशान रहते हैं। और अब देखिए अब तालाब घर हमारा सूख चुका है तो उसका रास्ता वास्ता अब हटाएंगे, अब उसको मरम्मत करेंगे और तब उधर रहेंगे, क्योंकि एक दिन इधर लफड़ा हुआ इस घर के लिए। हम वीडियो में दिखाए थे ये वाला घर, तो वो लोग बोल रहे थे क्यों दिखा रहा है और इधर ये सामान वामान मत रखा करो, लकड़ी हम लोग वहाँ सुखाते हैं, तो बोला इधर सामान वामान मत रखा करो और ये गायों वाला ढोंग पाखंड उधर रखा करो। तो ऐसे वो लोग बोले थे, तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, दो आदमी से बोले तो वो लोग बोले चलो अब सूख रहा है तो उधर अपना कर लेना और गायों को इधर करके अपना खिलाओ, इधर लकड़ा लकड़ी मत पसारो, उधर पसारेंगे। देख लीजिए बकरी एकदम भीड़ा हुआ है। और देखिए अर्चना की मम्मी का पेट पूजा हो गया, खाना हो गया जी घर। अब तालाब घर देखिए, पहले हम लोग इधर रहते थे उसमें, और बकरी लोगों का ये घर है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। तो अब ये रास्ता सूख चुका है,
ये रास्ता है, ये आने जाने की रास्ता है उस घर में, और इसमें पानी अभी डूबने इतना है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक रास्ता सूख गया है और गिरने का व्यवस्था है कि नहीं। लगता है पुरान हो गया है तो गिरने का डर होगा, लेकिन थोड़ा आजमा रहे हैं। और सांपों का भी डर होगा इस पर। ये बरियार है हो, है। और दोस्तों देखिए तालाब घर हम आ गए, और यहाँ पर पानी लगभग डूबने इतना है यहाँ तालाब में। अरे गजब, ये सूख गया है, ये पानी सूख गया है तालाब घर का, गजब सूख गया। थोड़ा थोड़ा छिपिर छिपिर बचा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए हमारा चूल्हा, जहाँ हम लोग पहले भोजन अपना बनाते थे, खाना वाना, ये देखिए किस दशा में हो गया है, ये देख लीजिए। ये देखिए पूरा मेटगा से ढह चुका है हमारा चूल्हा घर। ये देखिए तालाब घर का चूल्हा पूरा ख़त्म हो चुका है। और इधर देखिए इसमें पानी अभी हमारे इतना होगा, डूबने इतना। अभी कोई लाठी उठी होता तो नाप के दिखाते हैं आप लोगों को, रुकिए दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमारे इतना है, फिर इसको नीचे लेके जा रहे हैं तालाब में, देख लीजिए डूब गया ये पूरा, इतना सा थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी पूरा पानी है कहाँ तक देखिए। ये देख लीजिए हमारे यहाँ तक पानी है अभी इस तालाब में। फिर यहाँ पर हम लोग रहते थे, और इस समय बाढ़ आया है तो कुछ दिनों से नहीं रह रहे हैं। और ये हम लोग का द्वार था, हम लोग यहाँ सोते थे पुराने घर का। तो अभी इसको साफ सफाई करेंगे, अभी पानी अंदर में है, थोड़ा छिपर छिपर पानी है, तो 4-5 दिन में ये ठीक हो जाएगा। जब तक हम लोग इसको साफ सफाई करेंगे। और अर्चना की मम्मी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो अब तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ से चंद्रमा खूब फ्रेश एकदम साफ दिखाई देते। तो ये अभी तो पूरा अभी कई दिन लगेगा सूखने में, सफाई करने में। तो उस दिन हम लोग किन्हीं के छत पे चले जाएंगे, पड़ोस में गांव में कई लोगों का छत है, वहां पे चले जाएंगे और जा करके चंद्रमा को देख लेंगी अर्चना की मम्मी। और देखिए उधर पवन जी भी आ गए हैं, आइए आइए आइए, डर रहे हैं का? देखिए वो पवन जी बोल रहे हैं कि हमारा गाय खरीदवाने के लिए बोले थे, वो भूल गए क्या? अरे भाई हाँ सही बात है, सही बोले थे, आज तो परसों हो ही गया। चलते हैं दोस्तों, पवन जी एगो बात याद दिला दिए, चलिए देखते हैं, पूछते हैं अर्चना की मम्मी से, कोई काम नहीं ना है, नहीं होगा तो चला जाएगा। और देखिए उसी घर में हम लोग रहते थे पहले, और पवन जी आए हुए हैं इधर, बोले थे ना कि परसों आइएगा, हाँ गाय खरीदवाने के। अच्छा इनको याद है, चलिए ठीक है। ओले ओले ये देखिए बाबू रुवाया है हमारे बेटी को, सोना जैसी है मेरी बच्ची। ओहो ये देखो, ये देखो कहाँ रो रही हो, कहाँ है, हाँ पैसा रो ली हुई है और रो रही है। जानते हैं हम तालाब घर में गए थे तो उसी को देख कर के ये पानी में उधर जाके ढूक रही थी, देखिए भेल ली है पूरा पैंट। और दोस्तों देखिए अभी पवन जी याद दिलाए हैं, तो चलेंगे गाय खरीदवाने। कौन काम नहीं है ना घर है, तालाब घर साफ करना है। दोस्तों देखिए अर्चना की मम्मी बोल रही है कि साफ करना है तालाब घर, और घास का जाना है, मतलब हरा चारा के लिए। तो क्या होगा पवन जी, तो क्या होगा आप बताइए, आप ही ना बोले थे कि आज चला जाएगा। मतलब आज आँख में झटका लग गया धान से, तो उधरे हम दबाव उबाव में रह गए और आए हैं, तो अभी अच्छा कोई काम नहीं किए हैं, तब कल चला जाएगा। कल मतलब कल तो पक्का चला जाएगा, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा हम सफाई करें और चारा भी लाना है। तो और दोस्तों देखिए चलते हैं तालाब घर का रास्ता ये साफ करने। आज पवन जी को गाय खरीदवाने जाना था तो नहीं जा पाए, चलते हैं इसको बनाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा।
दोस्तों देखिए, ये हम लोग का रास्ता है आने जाने का, तालाब घर का रास्ता है। और दोस्तों देखिए, इतना साफ कर दिया, आ गए तालाब घर के पास। अब पूरा सफाई करके और इसको अब दीपावली से पहले हम लोग इधर रहेंगे और ये जो टूट टूट गया है इसको रिपेयर कर देंगे और रहना चालू हो जाएगा तालाब घर में। 3-3.5 महीना हो गया पानी डुबा दिया था। और दोस्तों देखिए, ये हमारा घर है जो पानी से गंगा मैया डुबाई थी और अभी तक तो गंगा मैया रही है। अब हम लोग रहेंगे, सफाई स्टार्ट है, दीपावली आ गया है तो दीपावली का सफाई स्टार्ट हो गया है एकदम। और अभी इधर पानी है, देखिए अभी पानी है, पूरा सफाई होगा। देखिए पूरा पानी है और ये सड़ने के बजाय और मजबूत हो गया है। ये देखिए हिल भी नहीं रहा है कूदने पर। 50-52 किलो का वजन है हमारा, लेकिन देखिए यहाँ कूद रहे हैं फिर भी नहीं हिल रहा है। लोग बोलते थे कि सड़ जाएगा तुम्हारा घर, 1 साल से ज़्यादा हो गया बनाए हुए और 3.5 महीने से पानी में सड़ रहा है, फिर भी मजबूती आ गया इस बांस में। सही बात है, गरीब का मदद भगवान करते हैं, तो इस पे भगवान का नज़र है। अभी सड़ा नहीं है, अभी हम लोग कई साल रह सकते हैं इधर। और दोस्तों देखिए, इतना सफाई पूरा कर दिए, ये रास्ता ये सब कुछ साफ कर दिए और उधर पानी है तो दूसरे दिन करेंगे। और गाय लोगों के दूध निकालने का टाइम हो गया है तो अब चलते हैं दोस्तों काऊ मिल्किंग करने। थोड़ा देखें कि खा रही हैं कि ख़त्म कर दी हैं। और यहाँ का थोड़ा सा बचा हुआ तो इसको कल फेंक देंगे, ये वाला। इसमें काटना पड़ेगा हंसुआ से, सब इसमें पकड़ा हुआ है। देखिए सफाई हो गया पूरा वहाँ तक। चलिए छोटकी, चल उठो दूध पीने चलो, चलो अरे दूध पीने। देखिए आ गई छोटकी दूध पीने लगी अभी, अभी मिल्किंग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, गाय पहना गई है और इसका थन को धो देते हैं और बचा हुआ पानी इधर फेंक दिए। अब मिल्किंग चालू करते हैं। दोस्तों देखिए, गायों को रखने में फायदा कई गुना है। और दोस्तों देखिए, काऊ मिल्किंग हो गया, अब चलते हैं गौरी का मिल्किंग करेंगे। अतवरिया का हो गया है मिल्किंग, ये देखिए। अब छोटकी को छोड़ेंगे, छोटकी आके पिएगी। देखिए दोस्तों, छोटकी को छोड़ दिए हैं, छोटकी आकर के पीने लगी और अब गौरी का मिल्किंग करेंगे। अब अभी छोड़ते हैं शीतल को। देखिए शीतल को बांध दिए हैं और इसका मिल्किंग चालू हो गया। और दूध लेने के लिए एक दो आदमी आ गए हैं। और दोस्तों अब हम लोग तालाब घर में रहेंगे, तालाब घर की सफाई चालू कर दिए हैं। तो इधर रोज़ रोज का झंझट होता रहता है तो इसीलिए अब उधर हम लोग रहेंगे। तालाब घर हमारा सूखने लगा है। दोस्तों देखिए, गौरी का भी मिल्किंग हो गया। और दोस्तों देखिए, मिल्किंग कर दिए हैं गाय लोगों का। अभी उसमें से थोड़ा दूध
दे दिया गया, कई लोग आए थे और इतना बचा हुआ है तो इसको अभी देना है और जो बचेगा वो हम लोग खर्च करते हैं और इस समय उसके बाद भी बच जाता है तो सुबह में उसको खाते हैं और सुबह वाला पूरा दूध मार्केट पहुंचाते हैं। और देखिए आँख का दवाई अर्चना की मम्मी डाल रही हैं, डाल दीजिए, आँख में लग गया था तो दवाई लाए हैं, एक बूंद दो बूंद एक बूंद दो बूंद। और दोस्तों देखिए आँख में दवाई डाल दी है अर्चना की मम्मी और अभी इसको बंद करके रख लिए हैं और अर्चना की मम्मी चली गई खाना बनाने। अभी खाना वाना बनेगा अब चलते हैं गायों को खिलाते हैं उसके बाद से हम लोग खाएंगे। और दोस्तों देखिए गाय लोगों को मिल्किंग के बाद से खिला चुके हैं, देखिए ये ख़त्म कर चुकी है और ये देखिए इधर इसके में भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी खा चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों, इनका पेट भर चुका, अब अपना पेट भरने का बारी आ गया है। और दोस्तों देखिए खाना बन चुका है, खाना तैयार है और गाय लोग खा के फिट है। तो चलते हैं अब हम लोग भी भोजन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोग बाय कर दीजिए। बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि दोस्तों, जय गौ माता।